कुछ लोगों को शरीर में जगह जगह गांठें सी हो जाती हैं और वो घबरा जाते हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई, या कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, या कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं कि कहीं हम बड़ी दिक्कत में फंस गए हैं, या इसका क्या इलाज करें। बहुत ज़्यादा अंदर घबराहट पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि गांठ दो तरह की होती है, एक संक्रमण से पैदा होने वाली गांठ, दूसरी गांठ जो सिर्फ चर्बी एकत्रित होने की वजह से हो गई। अगर वो किसी चोट या संक्रमण की वजह से पैदा हुई हुई गांठ हो तो उसकी पहचान ये है कि उसके आस पर सूजन होगी, लालिमा होगी, दबाओगे तो दर्द होगा, तकलीफ होगी, और आपको हो सकता है उसकी दर्द की वजह से फीवर भी होने लग जाए। तो इसका मतलब ये खतरनाक गांठ है, इसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको इसका इलाज कराना चाहिए। हो सकता है उससे बायोप्सी वगैरह करके पता लगे कि उसके अंदर कहीं कोई कैंसरस वगैरह तो नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों ने आपने देखा होगा उनके चेहरे के आसपास गांठ हो जाती है, गर्दन के आसपास हो जाती है, कमर के पीछे हो जाती है, कमर के आगे हो जाती है, छाती के पास हो जाती है, या बाजुओं पे, उंगलियों पे, जांघों पे, गुदा पे, टेस्टिकल्स पे, या पिंडलियों के आसपास, पैरों के आसपास गांठें सी हो जाती है, थोड़ी सी जगह फूल जाती है, हल्का सा मोटा मोटा सा हो जाता है, और दबाओ तो कोई दर्द नहीं होता, ऐसे लगता है जैसे हवा सी भरी हुई हो, या ऐसे लगता है हल्की सी गांठ सी है जैसे चर्बी सी एकत्रित होगी। तो सही मायने में ये सिर्फ चर्बी की गांठ ही है, जिसे लिपोमा भी कहते हैं। तो ऐसी अगर गांठ है तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, ये कायदे से चर्बी एकत्रित होने लग गई है बॉडी में जगह जगह पर। लेकिन ये देखने में भी बुरी लगती है और आदमी को लगता है कि मेरा शरीर अस्वस्थ है, मैं इसे पूरी तरह से कैसे ठीक करूँ। तो उसके लिए आज आपको बहुत बढ़िया फार्मूला देने जा रहा हूँ। आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से एक दवा मिलेगी, कांच नार गुगल, ये आप ले आना। इसे दो गोली सुबह दो शाम को लगातार कुछ महीने तक लेते रहें, जब तक कि पूरी तरह से गांठ घुल ना जाए और वो गांठें डिजॉल्व ना हो जाए और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए। बस इसे करते रहना। आप कहोगे स्वामी जी आपने क्या चीज़ बताई कि इससे पूरी तरह से सारी गांठों से निजात मिल गई और बॉडी में जो आपका पूरा ब्लड फ्लो भी था वो भी ठीक हो गया, जो आपकी चर्बी है जो जगह जगह पर इकट्ठी हो गई थी वो भी होना बंद हो जाएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी।